हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है दो दोस्त। एक दिन सुबह दो दोस्त नाव पर सैर करने के लिए निकले। वे नौका विहार पर जाना चाहते थे। उन्होंने शांत समुद्र में अपनी नाव डाली और रवाना हो गए। वे थोड़ी ही देर के पश्चात समुद्र के किनारे से दूर निकल आए। अचानक काले बादलों से आकाश भर गया। तेज समुद्री तूफान आरंभ हो गया। समुद्र अचानक अशांत हो गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। इस समुद्री तूफान में उनकी नाव हिचकोले खाने लगी। अचानक दोनों दोस्तों ने पानी में तैरता एक लकड़ी का तख्ता देखा। वो दोनों नाव में से कूद गए और उन्होंने तख्ते को पकड़ लिया। परंतु दुर्भाग्य से वो लकड़ी का तख्ता इतना बड़ा न था कि उन दोनों मित्रों का वजन सह सकता। एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, आप विवाहित हो, तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। मैं अविवाहित हूँ, इसलिए मुझे यह तख्ता आपके लिए छोड़ना होगा। तभी दूसरे मित्र ने उत्तर दिया, मगर आपकी भी तो बहन और माताजी हैं, जिनका तुम्हें पालन पोषण करना है। उनका ध्यान कौन रखेगा? निस्संदेह तुम मेरे मित्र। दूसरे मित्र ने उत्तर दिया और तख्ता छोड़कर पानी में कूद गया। कुछ ही क्षणों में वो डूब गया। जब तूफान शांत हुआ, विवाहित व्यक्ति अपने घर पहुंचा। वो पूरी तरह सुरक्षित जान बचाने में सफल हुआ था। उसने अपने मित्र से किया गया वादा पूर्ण किया और जीवन भर अपने मित्र की माता और बहन का पालन पोषण किया। उस मित्र का जो अब इस दुनिया में नहीं था। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।